मुझे कोई नहीं जानता, मैं और मेरे काम दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। हो सकता है मैं आपके आसपास ही कहीं मौजूद हूं, कैमरा उठाए खबरों की तलाश में भागता कोई सहाफी, क्लास में पढ़ाता हुआ कोई प्रोफेसर, या वो फकीर जो एक अरसे से हिंदुस्तान की फौजी तंसीबात के आसपास घूम रहा है, या फिर बरतानिया और अमेरिका जाने वाले बिजनेसमैन में से भी कोई हो सकता हूं, या फिर आप ही की मस्जिद का इमाम भी तो हो सकता हूं। हो सकता है मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा किसी गहरी सोच में गर्क एक हैकर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एजेंट, जासूस, स्पाय। दुनिया फकत मुझे इन्हीं नामों से जानती है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों में खुल मिल जाता हूं। हर सुबह हर मोड़ मेरी शिनाख्त बदलती है, मैं घात लगाता हूं और अनजाने में अपने दुश्मन को जा दबोचता हूं। मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब तक दुश्मन को मेरी समझ आती है, मैं अपना काम मुकम्मल करके उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होता हूं। बाज दफा यूं भी होता है कि किसी अनजान मिशन के अनजान मोड़ पर मैं मारा जाता हूं, लेकिन किसी को मेरी मौत की खबर तक नहीं होती। जैसे पतझड़ में पेड़ से कोई सूखा पत्ता जमीन पर आ गिरता है, किसी पराई मट्टी में चुपके से दफना दिया जाता है। अगर जिंदा बच जाऊं तो दुश्मन की किसी काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार करता रहता हूं, और मेरे लोग मेरे नाम और मेरे काम से बेखबर कभी नहीं जान पाते कि मैं कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लेकिन मुझे परवाह नहीं कि कोई मेरा नाम और मेरा काम जाने। जी हां, मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर, मैं आईएसआई।